देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से हुई छेड़छाड़ के मामले में देहरादून पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने धोखे से दस्तावेज तैयार कर दाखिला खारिज कर फाइल बनवाकर रिकॉर्ड रूम में रखवाई, साथ ही इन लोगों ने रिकॉर्ड रूम में रखे संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस भी धोखे से अपने सहयोगी आरोपियों के नाम अंकित कर इस काम के लिए आरोपियों को 5-5 लाख रुपये दिए गए थे। साथ ही इनको देहरादून के रिंग रोड में एक एक प्लॉट भी दिया जाना तय हुआ था। इस पूरे मामले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पंद्रह सात को एक जो एफ आई आर लिखी गई रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से, उसमें ऑलरेडी हम लोग 6 लोगों को हम एड चुके हैं और इस कड़ी में 2 अन्य लोग जिनका एक का नाम बहुताज सिंह है, दूसरा विकास पांडे है, ये पटेल नगर के रहने वाले हैं। इन दोनों का काम था आपसी समझ करके कि कलेक्ट्रेट का जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ म्यूटेशन की जितनी भी आपके कैंसिल्ड जो फाइल हैं उन कैंसिल्ड फाइलों में से जिन कारणों से जिन पेपर कारणों से वो आपका रजिस्ट्री कैंसिल हुआ है उन सारे पेपर्स को चेंज करके उसको एक तरह से बिल्कुल ठीक रजिस्टर्ड या जो आपका रजिस्ट्री के लिए जो ओके रजिस्टर होता है उसको